بسم الله. خلاص سمح عجب اول شيء عجب 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 जी शबाज, आज जो है इस दफ्तर में आकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या इरादा है, आप क्या जो है करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज जो है वार्ड नंबर 17 के कॉर्पोरेटर के भाई नासिर साहब, अफसर साहब और उनकी तमाम पूरी टीम मिलके आज बधाई देने के वास्ते में ऑफिस को इनवाइट किया था मेरे को। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हुआ बोल के आज क्या है माहौल, जेडीएस का बहुत अच्छा होले को आ रहा है। हमारा पूरा सर्वे रिपोर्ट से इंशाल्लाह हमारे 60 पर 5 से 70 सीट आते हैं बोल के पूरा। कल परसों जो साइलेंट चोर्स में मीटिंग थी, हमारे जो जितने भी रिपोर्ट्स आपको हैं सर्वे रिपोर्ट्स, 65 से 70 सीट्स आती बोल को बहुत अच्छा एक्टिव है। मेरे से पूरी एक पूरे हमारे जितने मुसलमान कौम है, जितने कर्नाटका से कर्नाटका के, मेरी एक गुजारिश है पूरे अंकु इंशाल्लाह वन साइड जेडीएस को वोट देने के लिए, क्योंकि आज माहौल बहुत ख़राब है। आज देखने गए तो बीजेपी के जितने गलत मुद्दे हो के है, कितना गलत कितना जुल्म कर रहे हैं मुसलमान पर। मेरे से एक गुजारिश है पूरे मुसलमान, ये खो रहे कांग्रेस को वोट देखो, तुम्हारा वोट वेस्ट कर लियो उनको। कांग्रेस कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आ सकती, उन्हों 60 पर 5 70 सीट अंश ले सकती। सो वन साइड गवर्नमेंट हमारी बैठते, सो कुमार स्वामी साहब CM होते हैं। सोचिए इंशाल्लाह पूरे हमारी एक आवाम, हमारे एक मुसलमान पूरे हमें खुल को दिखाना उनको, हमें भी JDS को वोट करको ही, हमें भी JDS के साथ थे करको इंशाल्लाह। ये काम आते सो 5 साल पहले, लास्ट 3-4 साल पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर को रहती तो कुमार अन्ना को साथ दे ले जाते तो आज वरियर एक्सप्रेस चेंज नहीं हो सकती थी, हिजाब का मुद्दा नहीं उठ सकता था, निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस का मुद्दा नहीं उठ सकता था। जितने भी ये मुद्दे हैं हमें पूरे ये खो को कुमार स्वामी साहब को ये कांग्रेस वाले CM बिठा को रहते तो ये मुद्दे आते नहीं थे। कर्नाटका एक नंबर वन स्मार्ट सिटी होकर रहता। और मेरे से पूरी ये गुजारिश है पूरे हमारे मुसलमान है, एक होकर JDS को वोट देना। सर हमारा एक सवाल है, आपको जो है माइनॉरिटी स्टेट जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आपका क्या काम है, आप क्या करती हैं आगे आने वाले दिनों में, आप ये ओहदे को लेकर जो है कितना खुश हैं? नहीं, मैं ऑलमोस्ट बन को 4 दिन हुआ, लाइक 60 घंटे टाइम में ऑलमोस्ट लाइक 35 घंटे से 40 घंटे टाइम काम करको हूँ मैं, जितना भी है। और जितना माइनॉरिटी मीट्स बुला को हूँ सारे स्टेट के अंदर, कल मेरे को चनपटना में, बिरदी में, सब कंटिन्यूसली मीटिंग से ही, ऑफिस रीओपनिंग से ही, और जितने उलमाया से ही, जितना हमारे ऐसे मेरी उम्र के हिसाब से जितना स्टेट में फिर सकता हूँ, जितना सबको ले को एक काम कर सकता हूँ, सारे मुसलमानों को मेरा एक ही जगह खवास के कुमार स्वामी को CM बनाना करको। क्यों कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना है किच, कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आती, कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आती। गए 5 साल पहले ये गलती करे सो, गए 4 साल पहले जो गलती कर को ही, जो कांग्रेस वाले हमने धोखा देखो ही, वो धोखा आज नहीं देखो रहते तो कर्नाटक के अंदर कोई मसला नहीं रहता था। पहले से इनमें एक जोश था, जज्बा था, हम भी देख रहे हैं शुरू से, और खुसूसन इन्होंने एरिया में होंदे या हमारे वार्ड में होंदे इन्होंने चल फिर कर जो है बहुत मेहनत की है, और उसमें जो है आपके ब्रदर इन लॉ भी हैं जी, इनको जो पोस्ट मिला है, इनको जो ओहदा मिला है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद नासिर, वार्ड नंबर 17 से, जो इनको जो पोस्ट मिला है इनको एक मुबारकबादी देने के लिए हम इधर बुलाए थे। मैं JDS वालों का, हमारे कुमार राणा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो माइनॉरिटीज़ को, एक यूथ को जो ये इतना बड़ा पोस्ट देके हैं, इनका बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये पोस्ट जो है बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन जो इनको देके हैं
इनका बहुत अच्छा पोस्ट मिल गया इनको। ईसा चे भी ऐसा चा आगे चलकर वर्क करेंगे। माइनॉरिटीज़ को लेके जितने भी कर्नाटक के अंदर जितना भी काम चल रहा है, माइनॉरिटीज़ को लेके आगे जितने भी पोस्ट देना है माइनॉरिटीज़ को, ये भी साथ में लेके माइनॉरिटीज़ को जितने जितने यूथ्स जितने भी हो सके जमा के जेडीएस को एक अच्छी ताकत देने दे दीजिए। ओके, शहर भर में जो है जेडीएस के अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं जी, अलग अलग जवाब, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये प्रोग्राम किस लिए है और ये क्यों कर रहे हैं? ये प्रोग्राम सब आपको तो पता है, जनवरी से एमएलए इलेक्शन है, इसीलिए हमारे देवेगौड़ा साहब, कुमार राणा, जितने भी माइनॉरिटीज़, जितने भी जो भी पूरी आवाम है, जेडीएस को लाना करके एक बार कुमार राणा सीएम होना करके बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह एक बार कुमार राणा सीएम नेक्स्ट सीएम होंगे। इंशाल्लाह हमारी एक गुजारिश है आवाम से कि जितना हो सके जेडीएस को वोट देके जेडीएस को कामयाबी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।